Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. यहाँ पर कुछ polynomials हम लोग को quadratic polynomial दे दिया गया है, इसका हम लोग को zeros निकालना है. Zeros मतलब s का value, इसमें s का value, इसमें x का value निकालना है और verify करना है relationship उसका zero और coefficient के बीच में. ठीक है, तो हम लोग पहले इसका x को x का value निकालने के लिए इसको factorize करना पड़ेगा. ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू. ठीक है, अभी इसको फैक्टराइज करने के लिए इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग एक जनरल टर्म में चेक करेंगे. जनरल टर्म होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो यहां पर ए के जगह में क्या आ रहा है, वन, बी के जगह कितना लिखा हुआ है, माइनस टू, और सी के जगह माइनस एट है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि ये बी आ जाए. ठीक है, तो देखते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक कांस्टेंट नंबर आएगा. इस नंबर को एलसीएम लेकर के हम लोग कोई दो नंबर पे तोड़ेंगे. ठीक है, और ये दो नंबर जो होगा वो ऐसा होगा कि जब प्लस करेंगे एम प्लस एन तो ये बी के बराबर हो, या तो फिर है ना m माइनस n करेंगे तो ये b के बराबर हो. ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस चीज को समझने के लिए, इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो यहां लिखेंगे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू माइनस टू और c का वैल्यू माइनस एट. ठीक है, a का 1, b का माइनस टू, c का 8. तो हम लोग पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 8 जा 8 हो गया. तो मतलब अब 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि ये माइनस टू आए, तो 8 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. ठीक है, 2 1 जा 2. अब हम लोग इसको ऐसा तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर b आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर वापस 8 आ जाए. ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 2 2 जा 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है और 4 में से अगर 2 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, और 4 2 जा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा. यहां पर दिया हुआ है 1 into 8. ठीक है, 1 8 जा 8 होगा और इसको हम लोग तोड़े हैं 4 into 2 में, 4 और 2 में तोड़े हैं. 4 और 2 को अगर हम माइनस करते हैं, ये माइनस वाला टर्म करते हैं, तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाता है. क्लियर, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, प्लस या माइनस करने पर 2 आए. तो अब देखेंगे, यहां लिखेंगे 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. ठीक है, अब यहां पर एक माइनस लिखे एक प्लस लिखे हैं, ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस 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 8 आना चाहिए. तो जब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 तो होगा, लेकिन हमको माइनस 8 चाहिए था, तो यहां पर माइनस लगाया है बड़े वाले में. अब बड़े वाले पर ही क्यों माइनस लगेगा, इसमें क्यों नहीं लगेगा, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो हमको बी में भी माइनस का साइन चाहिए, है ना, तो माइनस का साइन यहां चाहिए. अगर माइनस फोर में प्लस टू करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा. ठीक है, माइनस फोर में प्लस टू करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा. अगर हम यहां प्लस रखते और यहां माइनस रखते तो फोर माइनस टू कितना आता, टू आता. ठीक है, माइनस साइन नहीं आता, इसलिए हम लोग यहां पर बड़े वाले पे साइन लिख रखे हैं. ठीक है, तो अब इस दोनों में नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस दोनों में कॉमन निकालना है और इस दोनों में भी कॉमन निकालना है. तो ये दोनों में कॉमन हम क्या देख रहे हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर है, दो टू एक्स है, यहां पर एक टू एक्स है, तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे. क्या बचेगा, यहां दो एक्स में से एक एक्स निकाल दिए, एक एक्स बचेगा. यहां पर फोर एक्स है तो यहां पर हम एक्स को ही निकाल देंगे. तो इस दोनों में कॉमन लेंगे, यहां पर एक्स दो है, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स इंटू एक्स है, यहाँ पर फोर इंटू एक्स है. ठीक है, तो दोनों ही में एक्स दिख रहा है हमको, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे. एक्स को कॉमन लेने पर एक एक्स तो आ गया यहाँ, एक एक्स इसमें बचेगा, वो एक्स यहाँ लिख देंगे. यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे. एक्स इसका एक्स को बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ फोर बच जाएगा, तो फोर लिखेंगे. अब इस दोनों में देखेंगे कॉमन क्या जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टू वन जा टू है और टू फोर जा एट है. ठीक है, दोनों टू के टेबल पर आता है, यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसमें क्या होगा, 2 कॉमन चला जाएगा. ठीक है, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 2. अब यहाँ पर क्या हो गया, x बच जाएगा, यहाँ पर 8 है तो 8 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है. ठीक है, तो हम लोग जब 2 कॉमन निकाल देंगे तो मेरे पास 4 बच जाएगा. ठीक है, लिखेंगे माइनस 4. क्लियर,
अब जब हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे होंगे और इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्या कि ये x माइनस फोर और ये x माइनस फोर दोनों में सेम सेम आना चाहिए। अगर एक में प्लस है एक में माइनस है तो आपका मैथ गलत बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरे टर्म में और ये पूरे टर्म में हम लोग देखेंगे कि x माइनस फोर दोनों ही में है और दोनों कॉमन है, तो हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे, x माइनस फोर को कॉमन निकाल देंगे। अब ये जब यहां बाहर निकल चुका है तो ये बच जाएगा, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में x और यहां पर बच जाएगा प्लस टू, एक्स प्लस टू, ठीक है। अब लिखेंगे जब हम लोग को इसका जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग इसको इक्वल जीरो से इक्वल कर देते हैं, ठीक है, इक्वेट करते हैं। तो जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे when x minus 4 equals to 0, तो x is equal to हो जाएगा 4, ये minus 4 उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा plus 4, तो यहाँ लिखेंगे alpha equals to 4, ये alpha का value आ गया 4, first 0 जो है, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर when x plus 2 equals to 0, तो x equals to minus 2, इसका मतलब है beta equals to minus 2, clear? अल्फा का वैल्यू 4 आया है और बीटा का वैल्यू माइनस 2 आया है, क्लियर। तो अब हम लोग इसको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वैल्यू को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू द अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस टू, ठीक है। यहाँ क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, इसका बी का वैल्यू कितना है, माइनस टू, तो पहले फॉर्मूला का माइनस लगाएंगे और बी का वैल्यू है माइनस टू, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू और बाई ए है तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, वन, तो लिखेंगे वन। एल एच एस को अलग सॉल्व करेंगे, आर एच एस को अलग सॉल्व करेंगे, तो फोर माइनस टू टू होता है और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस और टू होता है, ठीक है, टू। इसके नीचे वन है, कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे वन होता है, इसके नीचे भी वन है, इसके नीचे भी वन, तो ये दोनों इक्वल हो गया तो वेरीफाइड हो गया। अब ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी करेंगे, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा क्या है, फोर, और बीटा है माइनस टू, तो लिखेंगे 4 इंटू माइनस टू इक्वल्स टू सी बाई ए, सी कितना है माइनस एट और ए है 1, तो यहाँ लिखेंगे c का वैल्यू बाई a का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टू जा 8 और प्लस इंटू माइनस माइनस, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, यहाँ पर है माइनस एट बाई 1, ये भी इक्वल हो गया तो लिखेंगे वेरीफाइड, क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है माइनस 4 और c का वैल्यू है 1, ठीक है। तो a और c को मल्टीप्लाई करना है तो 4 वन जा 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 को ऐसे फैक्टराइज करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे और एक थर्ड नंबर जो हमको मिलेगा, जैसे 4 वन जा 4 किए तो 4 मिला, ठीक है, यहाँ पर क्या किए 1, 4 इंटू 1 किए, कितना मिल गया 4, क्लियर। अब इसको ऐसे तोड़ना है दो नंबर पर कि जब हम m और n को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, b, ठीक है, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे तो मिलना चाहिए इनको बी। तो अब 4 को कैसे तोड़ेंगे, 4 का एलसीएम ले लेते हैं तो 2 2 जा 4 होता है, तो हमको 2 और 2 दो नंबर मिल रहा है, देखेंगे क्या 2 और 2 2 2 जा 4 होता है और 2 प्लस 2 वो भी 4 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे इसको m का वैल्यू आ गया 2 और n का वैल्यू भी आ गया 2, तो करेंगे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए माइनस 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ माइनस टू और माइनस टू, कितना हो जाएगा माइनस फोर, क्लियर। ये बी आ गया वैल्यू और माइनस टू इंटू माइनस टू कितना होता है, माइनस टू इंटू माइनस टू 4 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर बी आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ए प्लस सी आना चाहिए और ऐड करने पर बी आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं ये बी वाले टर्म को, इसको 4s स्क्वायर माइनस टू, ये पहला माइनस टू एस
फिर सेकेंड वाले माइनस टू एस, फिर प्लस वन। तो ये बीच वाला टर्म को क्या हुआ, हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। अब ये पार्ट से हम लोग कॉमन निकालेंगे और फिर एक बार ये पार्ट से हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है। एक टर्म दो टर्म से निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं फोर है, यहाँ टू है, तो दोनों किसके टेबल में जाता है, टू का टेबल में, दोनों डिविजिबल है और एस दोनों में है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, टू भी कॉमन जाएगा और एस भी कॉमन जाएगा। लिखेंगे टू एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू अगर टू से डिवाइड करेंगे फोर को तो क्या बचेगा, टू और एस, यहाँ दो है एस इंटू एस है, यहाँ पर एक टू एस है, तो एक एस यहाँ पर बच जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर टू भी बाहर आ गया है, एस भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचने पर इसको लिखेंगे माइनस वन, ये माइनस का माइनस और वन बच गया। इस दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, टू भी नहीं है एस भी नहीं है, यहाँ टू भी नहीं है एस भी नहीं है, तो क्या कॉमन जाएगा, कुछ नहीं कॉमन जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस वन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि इससे तो माइनस निकाल लिए, लेकिन इससे माइनस कैसे निकाल सकते हैं, तो देखेंगे क्या कि प्लस के अंदर में, प्लस में क्या होता है, दो ठो माइनस होता है, ठीक है, प्लस में दो ठो माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो अगर यहाँ दो माइनस है, एक माइनस को बाहर निकाल दिए तो यहाँ एक माइनस बचेगा, तो यहाँ पर ये वाला नंबर को सेम टू सेम लिखेंगे टू एस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे वन। ये क्यों, क्योंकि वन ही कॉमन गया है, दोनों का फैक्टर क्या है, वन है, दोनों ही वन से मल्टीप्लाई होगा तो भी सेम नंबर ही रहेगा, कोई कॉमन नहीं जाने से वन लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये इस पूरे टर्म में और ये पूरे टर्म में देखेंगे कॉमन क्या है, टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, टू एस माइनस वन, ये कॉमन ले लिए और यहाँ क्या बचेगा, टू एस, यहाँ बचेगा माइनस वन, टू एस यहाँ का लिखेंगे और यहाँ का माइनस वन लिखेंगे, क्लियर। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, तो जीरोस के लिए हम लोग को एस का वैल्यू निकालना होगा, लिखेंगे व्हेन 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू, ये माइनस वन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस वन, और s इज इक्वल टू वन बाई टू, मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, हो गया, तो s का वैल्यू आया वन बाई टू। फिर एक बार सॉल्व करेंगे, लिखेंगे व्हेन, ये वाले को सॉल्व कर रहे हैं, 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, 2s इक्वल्स टू वन, ये माइनस वन उधर चले गया, अब ये मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा उधर, तो डिवाइड हो जाएगा, होगा s इक्वल टू वन बाई टू। एक अल्फा का वैल्यू आया वन बाई टू और बीटा का वैल्यू आया वन बाई टू, ठीक है। अब हम लोग को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट, ठीक है, तो जीरोस और कोफिशियंट के बीच का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। रिलेशनशिप निकालना है तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा का वैल्यू वन बाई टू, बीटा का वैल्यू वन बाई टू, यहां लिखेंगे वन बाई टू प्लस 1 बाई टू, यहाँ पर क्या लिखे, 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, अल्फा का वैल्यू बैठा है 1 बाई टू, बीटा का वैल्यू बैठा है 1 बाई टू, क्लियर, और इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, बी का वैल्यू क्या है, माइनस 4, यहाँ लिखेंगे माइनस 4 और ए का वैल्यू क्या है, 4 लिखेंगे 4, क्लियर। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 का एलसीएम होगा 2 और यहाँ पर 2 2 का टेबल में 1 बार में जाता है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वन वन जा, अब यहाँ टू का टेबल टू एक बार में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे वन इंटू वन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस फोर बाई फोर कटेगा, वन आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन वन जा वन प्लस वन वन जा वन बाई टू इक्वल टू वन, ठीक है, यहाँ क्या होगा, टू बाई टू इक्वल टू वन, ये कटेगा, आएगा वन बाई इक्वल टू वन, ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे, अब लिखेंगे यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए,
तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1 बाई टू, बीटा का वैल्यू है 1 बाई टू. लिखेंगे 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू इक्वल टू सी बाई ए. सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है 4. ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1 बाई 4. तो 1 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 4 आया, तो ये हो गया वेरीफाइड. क्लियर. थर्ड नंबर, 6x² - 3 - 7x. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये x का पावर पहले लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर x और इसके बाद में ये कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे. ठीक है, लिखेंगे 6x² - 7x - 3. अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -7 है, यहाँ पर प्लस होता है ना जनरल टर्म में, इसलिए माइनस को यहाँ पर b में लिख रहे हैं. ठीक है, और c का वैल्यू कितना है, -3. क्लियर. तो अब हम लोग इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे, तो चाहिए कितना, 6 3 18, -18 चाहिए हमको, 6 3 18 और माइनस का साइन है तो -18 चाहिए होगा. और यहाँ पर क्या है, -7, मतलब 7 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस या माइनस करेंगे तो 7 आए. तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 18 है, और 2 से अगर हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो 9 बार में जाएगा, और फिर 3 से 3 बार में. तो अभी हम लोग को यहाँ पर 3 डिजिट मिल रहा है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे कैसे, 3 3 जा क्या होगा, 9, और 9 - 2 7 आ जाएगा. क्लियर. तो हमको यहाँ 7 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम बड़ा नंबर के आगे में माइनस लगा देंगे. क्लियर. अब इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या होगा, 6x² - 9x + 2x - 3. ठीक है, अब -9 और +2 कितना होगा, -7, -3 लिख दिए, यहाँ 6x² हो गया. तो अब इस दोनों के टर्म पे बीच में हम लोग को कॉमन निकालना है, और इस दोनों टर्म में कॉमन निकालना है. ये दोनों किसके टेबल में जाता है, 6 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में जाता है, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा क्या, 3. यहाँ x² है और यहाँ x है, तो दोनों ही में x है, तो x कॉमन हो जाएगा. यहाँ 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2. 3 2 जा 6 होता है, तो लिखेंगे 2, और यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 1x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस उतार देंगे. 3 के टेबल में 9 3 बार में जाता है, x 1 है, और 1x बाहर निकाल चुके हैं कॉमन, तो इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे. अब इस दोनों में से कॉमन निकालना है, यहाँ पर +2x है और यहाँ -3 है. ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है. अब इसमें हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो लिखेंगे +1. क्लियर. +1 करके जो भी चीज़ है उसको डायरेक्ट उतार देंगे, क्योंकि दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है. ठीक है, अब ये पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा दूसरा टर्म हो गया. अब ये टर्म और ये टर्म के बीच में कॉमन क्या है वो हम लोग को नीचे लिखेंगे. 2x - 3 2x - 3 दोनों सेम है, तो लिख देंगे 2x - 3. ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर ये दोनों कॉमन सेम आ रहा है, कॉमन निकल रहा है, तभी आपका आंसर सही आएगा. अगर ये दोनों अगर डिफरेंट हो गया, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको कॉमन निकाल दिए, यहाँ क्या बचा, 3x, और यहाँ बचा +1. क्लियर. तो अब एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, फिर एक बार सॉल्व करेंगे इसको. लिखेंगे व्हेन 2x - 3 = 0, तो 2x = -3 उधर जाएगा, हो जाएगा +3, और ये 2 × x है, मल्टीप्लाई में है, तो x = 3/2 डिवाइड में आ गया. फिर एक बार इसको व्हेन 3x + 1 = 0 और 3x = -1 और x = -1/3. ठीक है, सॉल्व हो गया. तो एक x का अल्फा का वैल्यू कितना आया, 3/2, और एक बीटा का वैल्यू आया -1/3. क्लियर. तो अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसका रिलेशन निकाल लेते हैं. तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, दोनों अल्फा और बीटा दोनों जीरोज है, तो दोनों का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. क्या होगा, अल्फा है 3/2, बीटा है -1/3. लिखेंगे 3/2 + -1/3 = -b/a.
बी का वैल्यू माइनस सेवन, तो यहाँ माइनस ऑफ माइनस सेवन बाई ए का वैल्यू कितना है, सिक्स लिखेंगे, सिक्स। क्लियर, यहाँ फॉर्मूला का एक माइनस लिखेंगे, एक बी का माइनस लिखेंगे, बी का वैल्यू माइनस सेवन था, दो माइनस होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों का एलसीएम, और ये प्लस माइनस माइनस लगेगा, एलसीएम करेंगे, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, प्लस माइनस माइनस, टू वन जा टू, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सेवन बाई सिक्स, कितना होगा यहाँ, नाइन नाइन माइनस टू सेवन बाई सिक्स इक्वल्स टू सेवन बाई सिक्स, वेरीफाइड। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, अल्फा इक्वल्स टू आया था थ्री बाई टू, बीटा इक्वल्स टू वन बाई थ्री आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा है थ्री बाई टू इंटू बीटा है माइनस वन बाई थ्री, ठीक है, और सी का वैल्यू है माइनस थ्री और ए का वैल्यू है सिक्स। क्लियर, तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा, आएगा माइनस वन बाई टू, और यहाँ पर कटेगा थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, आएगा माइनस वन बाई टू, वेरीफाइड। फोर्थ नंबर, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे करेंगे, इसमें दो ही टर्म है, थर्ड टर्म दिया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यू स्क्वायर का कोफिशियंट है 4 है, तो इसको हो गया a का वैल्यू 4, ठीक है, अच्छा u है, इसका पावर सिर्फ 1 है, तो इसका कोफिशियंट है, ये b का b है, ठीक है ना, एक ही वेरिएबल है, इसका वेरिएबल का एक ही पावर है और उसका कोफिशियंट लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको मानेंगे कि b इक्वल्स टू 8, और c टर्म दिया नहीं है, तो हम लोग प्लस जीरो कर देंगे, क्योंकि प्लस जीरो करने से तो इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि c का वैल्यू 0 है। क्लियर, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये 4 और 8 दोनों किसके टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4, और u स्क्वायर है और ये u है ना, दोनों ही में u u कॉमन है, तो u ले लेंगे, यहाँ पर से 4 भी बाहर आ गया है, दो ठो u था, एक u बाहर आ गया, बचेगा एक u, और यहाँ पर 8 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो बचेगा 2, ठीक है, क्वेश्चन आएगा 2, और u एक था, एक यहाँ पर निकाल दिए हम लोग, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर u बचेगा नहीं, ये हो गया। क्लियर, तो एक टर्म ये आया, एक सेकेंड टर्म ये आ गया, ठीक है ना, अब हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन 4u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 बाई 4, मीन्स क्या है, इक्वल्स टू 0, मतलब अल्फा इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है, और बीटा, यहां पर बीटा निकालना है, तो लिखेंगे लिखेंगे व्हेन u प्लस टू इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 0 आ गया और बीटा का वैल्यू माइनस टू आ गया। ठीक है, तो निकालेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा कितना है 0 और बीटा है माइनस टू इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस लगा दिए पहले फॉर्मूला का, बी का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 बाई ए का वैल्यू कितना है 4, लिखेंगे 4, काटेंगे यहाँ पर 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, माइनस साइन लगेगा, यहाँ क्या हो गया 0 प्लस माइनस टू, क्या होगा माइनस टू इक्वल्स टू, यहाँ आएगा माइनस टू, इक्वल हो गया, लिखेंगे वेरीफाइड। हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा, होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा बाय इक्वल ए। ठीक है, तो अल्फा कितना है, अल्फा मेरा 0 दिया हुआ है इनटू बीटा, बीटा क्या है माइनस टू,
c का वैल्यू है 0 और a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4. 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0 हो जाता है, तो 0 इंटू माइनस 2 0 होगा, और 4 बाई 0 भी 0 होता है, 0 के नीचे कोई भी नंबर हो 0 हो जाता है, ठीक है. तो ये भी इक्वल हो गया, तो इसको लिखेंगे वेरीफाइड. पांच नंबर बनाएंगे टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हम लोग फैक्टराइज करना है. तो यहां पर हमको दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ए एक्स स्क्वायर का टर्म, और ये है सी, ठीक है. जो हम लोग का यहाँ पर जनरल इक्वेशन में ये टर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है. तो ये टर्म दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें ए का वैल्यू क्या है 1 है, है ना, और ये एक्स की जगह टी दे दिया है, और ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर सी, ठीक है, क्लियर. तो अभी हम लोग को इसको अगर फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज करने के लिए इसको एक सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठ रहा है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, ये ज़्यादा ईजी हो जाए. टी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर माइनस 15 को लिखेंगे रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट रूट का स्क्वायर जो होता है वो कट करके 1 हो जाता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2, और ये 2 कट करके कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 15 लिखा जाएगा, है ना. तो अभी यहाँ पर इसको ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, फॉर्मूला बैठता है इसका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया. तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लिख करके व्हेन टी माइनस रूट अंडर 15 इक्वल्स टू 0, टी इक्वल टू रूट अंडर 15, क्लियर. तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर 15, वैसे ही बीटा का वैल्यू निकालेंगे, बीटा का वैल्यू इससे निकलेगा, लिखेंगे व्हेन टी प्लस रूट अंडर 15 इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 15, क्लियर, ठीक है. तो बीटा का वैल्यू आ गया माइनस रूट अंडर 15. अब इसको वेरीफाई करना है, तो जीरोस को हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशियंट के बीच में. तो इसका रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, क्लियर. तो यहाँ पर ये ए का वैल्यू था और ये सी का वैल्यू था, है ना, बी का वैल्यू यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, बी का वैल्यू दिया नहीं है यहाँ पर इक्वेशन में ही नहीं है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 0, और सी का वैल्यू कितना है माइनस 15, सी इक्वल्स टू माइनस 15, क्लियर. तो अब यहाँ लिखते हैं अल्फा है रूट अंडर 15 प्लस बीटा का वैल्यू रूट अंडर 15, है ना, माइनस रूट अंडर 15, और बीटा बी का वैल्यू कितना है 0, लिखेंगे माइनस ऑफ 0 बाय ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है. यहाँ क्या होगा रूट अंडर 15, रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 0, क्या होता है 0 ही होता है. तो यहाँ पर प्लस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 कैंसिल हो जाएगा, और 0 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक है. ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, ठीक है. तो अल्फा कितना था रूट अंडर 15, बीटा है माइनस रूट अंडर 15, लिखेंगे रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15 इक्वल्स टू सी कितना है माइनस 15 बाय ए का वैल्यू कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1, रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 15 होता है, और इसके आगे प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 15, ठीक है. सेम सेम आ गया है, तो लिखेंगे वेरीफाइड. 6 नंबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है. यहाँ पर a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है माइनस 1, ठीक है, और c का वैल्यू है माइनस 4,
इसको फैक्टराइज करेंगे 3x² - x - 4, तो हमको 3 × 4 = 12 चाहिए, तो 12 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लिए, तो अब हमको यहाँ 3 और 4 चाहिए, है ना, 3 × 4 = 12, मतलब मल्टीप्लाई होने पर 12 आए और प्लस या माइनस होने पर -1 आए, क्योंकि बी का वैल्यू -1 है तो -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 × 2 = 4 हो रहा है और ये 3 है, तो 4 में से अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 बचेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे, बड़ा वाला को माइनस साइन देंगे, छोटा वाले को प्लस साइन देंगे, क्योंकि हमको यहाँ माइनस का वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो इसको करते हैं 3x² + 3x - 4x - 4, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन निकालेंगे और इस दोनों में कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ये दोनों में कॉमन जाएगा, दोनों में 3 है, दोनों में x है, तो 3 चला जाएगा कॉमन और x भी चला जाएगा। यहाँ पर एक x बचेगा, 2x है तो 1x बच जाएगा, यहाँ पर 3 भी बाहर आ गया है और x भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर बचेगा +1, ठीक है। जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं, दोनों ही में माइनस माइनस साइन है, तो इस दोनों में माइनस बाहर आ गया, दोनों में 4 है तो 4 भी बाहर आ गया, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं जाने वाला है, x कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x बच जा रहा है, 4 बाहर आ चुका है, x बच गया, माइनस बाहर आ चुका, 4 भी बाहर आ चुका है, कुछ नहीं है, तो +1, क्लियर। अब ये पूरे टर्म में और ये पूरे टर्म में x + 1 कॉमन जाएगा, लिखेंगे x + 1 और यहां लिखेंगे 3x और 4 बच रहा है, तो 3x - 4, ठीक है। x का वैल्यू निकालते हैं, व्हेन x + 1 = 0, x = -1, अल्फा का वैल्यू हो गया -1, और व्हेन 3x - 4 = 0, 3x = 4 और x = 4/3, तो बीटा का वैल्यू हो गया 4/3। अब इसको वेरीफाई करते हैं यहां पर, ठीक है, तो अल्फा वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया, सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, तो यहां लिखेंगे α + β = -b/a है, तो b का वैल्यू कितना है, -1, लिखेंगे -(-1)/a का वैल्यू है 3, लिखेंगे 3, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4/3 इक्वल्स टू -(-1) हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -(-+) और 1 लिख दिए, नीचे में आएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहां पर एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा, -1 लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, = 1/3, ठीक है, 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे +4 = 4/3 = 1/3, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 1/3 = 1/3, वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a होता है, तो होता है α × β = c/a, अल्फा का वैल्यू है -1, बीटा का वैल्यू है 4/3, -1 × 4/3 = c/a, सी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 3, तो -4/3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4 + -3 = −4/3, वेरीफाइड।